देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के महासचिव स्वामी प्रबुद्धानंद पुरी का आज बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काशी में आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। भागवत गीता, वेदांत, उपनिषद, सनातन धर्म की शिक्षिकाओं के माध्यम से भगवान के संदेश और मानव जाति के लिए प्रेम का प्रसार करने के लिए लव मैनिफेस्ट टूर नामक यूरोप से लौटे काशी आगमन पर विदेशी तथा काशी के भक्तों से स्वामी जी महान कार्य और IVS से जुड़े रहने का अपना अनुभव व्यक्त किया। भगवान IVS के मूल और संस्थापक होने के साथ साथ इस आध्यात्मिक संस्थान के केंद्रीय आकर्षण और प्रेरक शक्ति भी हैं। दो महाव्यापी आध्यात्मिक कार्यक्रम सफल रूप से संपादित होने के बाद आज 1 अक्टूबर 2024 में काशी में वापस लौटे और स्वामी जी का महान कार्य के संक्षिप्त विवरण दिया। उक्त मौके पर ब्रह्मचारी बापादित्य जी ने बताया कि स्वामी जी अब अगस्त सितंबर के महीने में जो इस दौरान जो लव मैनिफेस्ट टूर के दूसरे चरण में थे और स्पेन और नीदरलैंड के विभिन्न शहरों में काम किए हैं, उन्होंने अगस्त के पहले सप्ताह के बार्सिलोना शहर में विभिन्न भक्तों के घर में कई आध्यात्मिक प्रवचन और सत्संग दिए। इसके बाद स्वामी ने बार्सिलोना में भगवान के प्रमुख भक्तों जैसे मानेल, अदिति, पागुला, मामा, जोड़ी, पेड्रो के नेतृत्व में मनु ओम समूह द्वारा आयोजित सबसे बड़े योग महोत्सव में से एक में भाग लिया। उद्घाटन दिवस के कार्यक्रमों में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। स्वामी जी ने समूह को योग के महत्व से परिचित कराया और गुरु वंदना तथा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ परिचित कराया। गुरु वंदना और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। ये इंटरनेशनल वेदांती की तरफ से स्वामी प्रभुदानंद जी 2 मास व्यापी यूरोप यात्रा पे थे। वहाँ पे आध्यात्मिक कार्य का प्रचार प्रसार हुआ। वहाँ यूरोप में बहुत सारे जगहों में सत्संग हुआ और इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के नए सेंटर का स्थापना हुआ। तो 2 व्यापी कार्यक्रम के बाद आज विदेशी भक्तों के साथ स्वामी प्रभुदानंद महाराज जी लौट रहे हैं। उन लोगों का स्वागत करने अभी हम लोग वाराणसी एयरपोर्ट जाएंगे और आश्रम में आज उनके स्वागत में कार्यक्रम रखा गया है। स्वामी जी लगातार इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी के प्रति काशी में भी लोग जागरूक हो रहे हैं, क्या कहेंगे सोसाइटी के बारे? ये सोसाइटी के माध्यम से मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता फैल रहे हैं। तो आध्यात्मिक जागरूकता फैलने से एक आत्मी विश्व मानव बनता है, वो तो विश्व में प्रेम का भावना फैलाते हैं। ये शांति, प्रेम, आनंद भावना फैलाना ही वेदांत सोसाइटी का कार्यक्रम का उद्देश्य है। Thankful to be here, to Navratri here on the ashram. We are celebrating 2 months of tour Swamiji has done. We are doing IVS, doing a great work. We are spreading the message of love, the message of Advaita Vedanta the world. And a lot of people has been initiated in Salamanca, in Barcelona, in Holland, and we are very grateful for the way, for the path that Bhagavan has given to us. The focus of the Advaita Vedanta Society is the truth, and is discover this truth, discovers the mainly love that is the solution for all of us as society. And the gift for me as a devotee is be able to work here, because what to do here when you know about who you are, about what this really are, share, celebrate, and give all of us. Thank you. ग्रहण किया और कार्य करके बहुत अच्छा लगा। अपने देश की गौरव, अपने देश की जो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को विदेश में लोगों के वितरण करने में भी बहुत खुशी हुई। महाराज जी लगातार 2 महीने तक आप ज्ञान प्रचार करते रहे, कोई ऐसा अनुभव रहा जो आप शेयर करना चाहे? एक ही अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं गर्व हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मैं गर्व हूँ कि मैं ऋषियों के कुल में जन्मा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस धरती में जन्म ग्रहण किया, क्योंकि एकमात्र भारत ही है ऐसा देश है जो पूरे विश्व में शांति और प्रकाश ला सकता है। और कोई देशों में इसका क्षमता नहीं है, केवल हम ही हैं जो इसको कर सकते हैं। आज महाराज जी विदेशों से भी भक्त आए, क्या कहेंगे? ये लोग हमारे साथ, ये अदिति है, ये कृष्णा है, इसका नाम तो वैसे जॉर्डी है लेकिन ये कृष्णा है,
और ये पेड्रो है, ये बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे लॉयर है, इसका अपना रेडियो का कंपनी है, इसका अपना हॉस्पिटल है। तो ये लोग आए हैं नवरात्रि में, नवरात्रि को अनुभव करने के लिए। और भी सारे लोग आते लेकिन चूंकि इतना सारा युद्ध हो रहा चारों तरफ, लोग थोड़ा सा डर गए हैं। महाराज जी, इस समय सबसे बड़ा रीजन सनातन धर्म का ये हो गया, एक बालाजी प्रकरण चल रहा था जो कि लोगों ने कुछ लड्डू खा लिया था, उसमें आपत्तिजनक चीजें, कैसे प्रायश्चित करेगा, क्या करेगा? प्रायश्चित तो हम सबको करना होगा, ये हमारा पाप है, ये हमारा पाप है। हमारा जो हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अपने धर्म में धर्म को हम लोग उतने सम्मान नहीं करते, उसका मूल्य नहीं करते, और यही इसका कारण है। ये प्रत्येक सनातन धर्मियों को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए, किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ये सबको अपने ऊपर लेना चाहिए कि ये मेरे लिए हुआ है। मैं भी ले रहा हूँ कि ये मेरे लिए हुआ है, ये किसी और के लिए नहीं हुआ। मैंने अपने धर्म का सेवा नहीं किया, मुझे जो धरोहर में मिला इतना बड़ा ज्ञान, उस ज्ञान का मैंने मूल्य नहीं किया, और ये इसका एकमात्र वो है, यही इसका वो है, रिजल्ट है। कैसा हो रहा है, माता नहीं तो बुला के लाए हैं, माता के लिए तो आए हैं, माता के घर में ही रहते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उनको माँ कहते हैं, वही हमारी माँ है। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, आप सब लोग आइए और सब लोग मिलके हम लोग माँ को सेवा करें और इसका आनंद उठाएं।